नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एम सी श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। या दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कॉपी ट्रेडिंग के बारे में कि कॉपी ट्रेडिंग होती है, ट्रेड्स कॉपी हो जाते हैं फॉरेक्स के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये बेसिकली दोस्तों MT4 या MT5 के अंदर होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास अपने मल्टीपल अकाउंट्स हैं, 3, 4, 5 अकाउंट्स हैं, या फिर आप किसी का अकाउंट हैंडल करते हैं, या काफ़ी सारे अकाउंट्स आपके पास है जिनमें आपको अलग अलग जगह ट्रेड डालनी होती है, तो उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं आप कॉपी ट्रेडिंग टूल के द्वारा। तो जो कॉपी ट्रेडिंग का टूल होता है वो बेसिकली दो एक्सपर्ट एडवाइजर्स होते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि जो कॉपी ट्रेडिंग होती है वो दो अलग अलग तरीके से होती है। एक होती है लोकल मशीन पे, यानी कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ही आपने 4-5 अलग अलग MT4 ओपन कर लिए कंपनीज के, उनमें आपने अकाउंट लॉग इन किए, और एक जगह आपने मास्टर वाला अपना एक्सपर्ट एडवाइजर लगाया, और दूसरी जगह आपने कॉपियर वाला जो आपके ट्रेड्स को कॉपी करेगा। ठीक है, तो एक होती है लोकल बेस्ड यानी कि मशीन बेस्ड, एक होती है सर्वर बेस्ड। तो जो सर्वर बेस्ड होती है उसमें क्या होता है कि हम एक सर्वर इस्टेब्लिश कर देते हैं, एक सर्वर पे थोड़ा सा कोड लिख देते हैं और एक डेटा बेस वहाँ पर असाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा मेन वाला जो MT4 या 5 होता है वो उन सारे सिग्नल्स को उधर पुश करता है, और बाकी जो अलग अलग हमारे रिसीवर्स वाले MT4 या 5 होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं उस डेटाबेस को कॉल करके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको अलग अलग मशीन्स पे अगर ट्रेड कॉपी करवानी है, यानी कि एक मशीन से दूसरी कहीं और रखी हुई मशीन के ऊपर ट्रेड कॉपी करवानी, तो वो सर्वर वाले से सॉल्यूशन से ही होती है। अगर आपको अपनी पर्सनल मशीन में करनी है, मतलब एक ही मशीन में 3-4 अलग अलग हैं, तो उनको आप लोकल वाले से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड कॉपियर किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से आप कॉपी करके ट्रेड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कॉपी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमें एक छोटे से एक दो टास्क भी करने होंगे, क्योंकि मैंने एक छोटा सा सर्वर बनाया है जो कि लोकल मशीन पे काम करता है। सर्वर में डेटाबेस का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ सर्वर ही सर्वर है, और सर्वर की कनेक्टिविटी होने के बाद वो क्या है कि सर्वर उसे सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करता है। एक बहुत ही आसान प्रोसेस है, अगर आप करेंगे तो ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, ये फ्री नहीं है, इसका हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन पैकेजेस है। ठीक है, जब आप हमें कॉल करेंगे हम आपको बता देंगे पैकेजेस के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक ट्रेड दूसरे अकाउंट में दूसरी कॉपी होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको किसी और जगह देखने को नहीं मिलेगा, और आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं नए वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक्स और कमेंट करते रहिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये MetaTrader 4 का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी MetaTrader के मैंने यहाँ पे दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ओपन किए हुए हैं, मैं इन दोनों को स्प्लिट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, विंडो को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और दो अलग अलग विंडोज़ में यहाँ पर दिखाऊँगा आपको। ये दो अलग अलग विंडोज़ मैंने यहाँ पर ओपन कर दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, एक में हमें मास्टर वाला लगाना होगा जो कि हमारा मेन है, यानी कि सर्वर वाला ईए हमें एक जगह लगाना होगा, और एक हमें लगाना होगा क्लाइंट वाला ईए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, ये मेरे पास सर्वर वाला इसके अंदर है। ठीक है, और दूसरी मशीन में मैं आपको क्लाइंट वाला, ये क्लाइंट वाला है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे सर्वर वाला इधर एस्टेब्लिश करना है तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, उसके लिए मेरे को सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे से ऑटो ट्रेडिंग चालू करनी है। ठीक है, और ऑटो ट्रेडिंग हमारी चालू होनी चाहिए एक्सपर्ट एडवाइजर में, अलाउड ELL हमारा अलाउड ELL बिल्कुल प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ही मैंने कर रखा है, यहाँ पे दूसरा अकाउंट है, दूसरे अकाउंट में भी आपको क्या करना है, ऑटो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके अलाउड ELL देख लेना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, ये भी दोनों जगह बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो मैंने अकाउंट लगा रखे हैं वो है चार्टिंग डेटा फीड वाले अकाउंट, तो मैं अकाउंट दूसरे लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे डेमो अकाउंट। ठीक है, ये डेमो अकाउंट है मेरा एक अकाउंट का, और ये मेरा दूसरा डेमो अकाउंट हो गया, ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आप दोनों में देख सकते हो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों में आप देख सकते हो अकाउंट नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, दोनों में अलग अलग अकाउंट नंबर है, एक के लास्ट में 84 है, एक के लास्ट में 74 है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम अलग अलग में ट्रेड करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसके टर्मिनल पे जाके दिखाऊँ आपको,
ठीक है, इसके टर्मिनल में काफ़ी सारी ट्रेड्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और यहाँ पर भी इस वाले के टर्मिनल में भी आप देखेंगे एक दो ट्रेड्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम किसी अलग से सिंबल में ट्रेड डालेंगे ताकि हम उनको कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। सी ए डी सी एच एफ में हम ट्रेड डालेंगे, ठीक है। सी ए डी सी एच एफ का हमने चार्ट यहाँ पे लगाया और उसके बाद हमें क्या लगाना है, इसमें सर्वर वाला ई ए लगाना है, ठीक है। लेकिन इस ई ए को लगाने से पहले हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी जहाँ पर हमारा सर्वर वाला ई ए चलता है, ठीक है। ये सर्वर का ई ए, यहाँ पर हमें एक फाइल देखने को मिलेगी, ये फाइल है सर्वर वाले में, हमें एक फाइल मिलेगी सर्वर डॉट जे एस, ठीक है। जहाँ पर ये फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल होगी, उस फोल्डर को ऊपर पूरा सेलेक्ट करके हमें सी एम डी दबाना है और एंटर मारना है, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ लिखना नोड सर्वर डॉट जे एस, ठीक है। इतना निकलने से सर्वर स्टार्ट हो जाता है और सर्वर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हमारे कनेक्शंस जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये सर्वर स्टार्ट हो गया, अब जैसे यहाँ पे कनेक्शन क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर ई ए लगाई नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्वर वाला ई ए लगाएंगे, सबसे पहले हम सर्वर वाला ई ए लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वर वाला ई ए, यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ही बता रहा है ऑटो ट्रेडिंग बंद है हमारी, तो इसको हमें स्टार्ट करना होगा पहले, ठीक है। सर्वर वाला ई ए जैसे ही मैंने लगाया, इसने यहाँ पे देखो बता दिया कि एक कनेक्शन जुड़ गया। अभी क्या है कि हम क्लाइंट वाला ई ए लगाएंगे इसमें, तो जैसे ही हम क्लाइंट वाला ई ए यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्लाइंट वाले ई ए के बारे में भी यहाँ पे जानकारी हमें दे देगा, ठीक है। अभी हमने क्लाइंट वाला ई ए लगाया, तो अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन जो है टोटल कनेक्शन दो हो गए, यानी कि अब दोनों अकाउंट आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम एक अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो वो दूसरे अकाउंट में जाएगा, जैसे कि सी ए डी सी एच एफ का जो ट्रेड है, अभी मैं आपको यहाँ पे वन क्लिक होकर ओपन करता हूँ। जैसे मैं बाय का बटन दबाया, ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी सी ए डी सी एच एफ का ट्रेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे आप ट्रेड जो आपको दिख रहा है। अगर मुझे ये ट्रेड काटना है तो मैं मेन वाले में जाके ये सी ए डी सी एच एफ पे जाके क्लोज ऑर्डर करूँगा, आप देखोगे यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से आप 3 से 4 5 जितने मर्जी अकाउंट एक मशीन पे लगा सकते हो, जितने भी अकाउंट आप उस मशीन पे लगाओगे उस अकाउंट के उतने अकाउंट में ट्रेड हो जाएगा। जो भी ट्रेड आप लगाओगे सेम ट्रेड इधर दूसरे अकाउंट में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसमें फर्दर और भी ज़्यादा अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, और भी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें चाहिए, लाइक कि अलग अलग अकाउंट में अलग अलग लॉट साइज आप डाल सको, उस तरीके का ऑप्शन चाहिए, तो वो भी हम ऑप्शन अवेलेबल करा देंगे। या फिर आप कहोगे कि भाई सर्वर वाला हमें चाहिए कि हमें अलग मशीन से अलग मशीन, उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होता है टाइम डिले का होता है, एक आध सेकेंड का फर्क पड़ जाता है उसमें, क्योंकि क्या होता है कि सर्वर पर जाना और सर्वर से रिक्वेस्ट लेना, तो वो जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा बहुत एक डिले आ जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत आसान है। अब सिर्फ आपको दो ई ए लगाने अलग अलग और मास्टर ई ए में जो भी आप ट्रेड करेंगे, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। तो इसके थ्रू आप मल्टीपल अकाउंट में ट्रेडिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर आपके 3-4 अकाउंट हैं या फिर आप किसी का अकाउंट मैनेज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।